सो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मीशो ऐप यूज़ करते हैं एंड आप नहीं जानते हैं कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को कैंसिल करना है, यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप गलती से ऑर्डर कर लिए हैं एंड आप चाहते हैं उसको कैंसिल करने के लिए, तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मीशो ऐप अपने ऑर्डर को कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ हम आपको कैंसिल करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक, एंड इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इधर अपने मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहले से ही रखा हूँ, एंड आपको क्या करना है, सिंपल से अपने मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। एंड आप चाहते हैं अपने ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इधर आपको किसी पर क्लिक करना है, बल्कि आपको इधर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपल से अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको इधर क्या करना है, मीशो एप्लीकेशन ऐसे आपको लिखकर सर्च कर देना है। एंड आपको इधर क्या करना है, इधर आपको चेक कर लेना है। चेक इधर आपको ये करना है कि अगर आपके पास इधर अपडेट आया है तो इधर आपको अपडेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी मीशो एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया होगा वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इस एप्लीकेशन को अपडेट ना करते हैं तो क्या पता मैं जो आपको बताने वाला हूँ कैंसिल करने का तरीका एंड वो ना हो, ठीक है। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको चेक कर लेना है, यानी कि अपडेट वगैरह कर लेना है। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं मैं इधर अपने होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। एंड आपको भी आ जाना है जैसे ही आप आए थे। उसके बाद इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इधर आपके सामने ऑर्डर वाला, जो कि आप देख सकते हैं ऑर्डर्स इधर आपको देखने को मिले। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपको यूअर ऑर्डर सर्च बाय कस्टमर प्रोडक्ट और ऑर्डर आईडी, अगर आप चाहते हैं इधर आपको ऑर्डर आईडी अगर आपको पता है तो आप इधर से अपने ऑर्डर आईडी भी डाल सकते हैं, अगर आप किसी ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं तब। और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि इधर आपको ऑर्डरेड शिपर डिलीवरी कैंसिल एक्सचेंज रिटर्न ऑर्डर, अगर आप रिटर्न किए हैं कोई प्रोडक्ट को तो सिंपल से मैं रिटर्न पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इधर एक भी प्रोडक्ट को अभी मैं इधर रिटर्न नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम इधर शॉपिंग किया हूँ मीशो एप्लीकेशन से, और आप देख सकते हैं मैं एक इधर ये वाला टी शर्ट को मंगाया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैं इधर एक टी शर्ट को इसे ऑर्डर किया था, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2000। एंड मुझे इसको कैंसिल करना है, तो कैसे करना है आपको कैंसिल, चलिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर आपको अपने जो भी आपका है प्रोडक्ट जो भी आप लिए हैं उस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो भी ऑर्डर होगा वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं आपको उधर ऊपर साइड में देखने को मिले कस्टमर नेम, आप जो भी नेम दिए हैं वो देखने को मिल जाता है। एंड पेमेंट मेथड आप जो भी किए हैं, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी इधर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो वो देखने को मिलेगा। एंड आपको इसे कैंसिल करना है, उसके लिए आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि कैंसिल ऑर्डर। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको देखने को मिले सिलेक्ट रीजन फॉर कैंसिलेशन। तो इधर आपको एक रीजन चूज कर लेना है, किस कारण से आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं इधर एक कोई से भी इधर आपको इधर चूज कर लेना है, आप इधर से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं इधर एक चूज कर लिया कोई से भी, एंड आपको भी क्या करना है चूज कर लेना है। उसके बाद इधर आपको देखने को मिले इधर, और उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको देखने को मिले एक ऑप्शन, इधर आपको एक कुछ भी रीजन लिख लेना है। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ कैंसिल ऑर्डर, एंड आपको भी कुछ भी लिखना है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। एंड आप जैसे ही लिख लेते हैं उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैंसिल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिले, कैंसिल वाला प्रोडक्ट। सिंपल से नीचे वाला ऑप्शन पर एक बार इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट आप जैसे करते हैं एंड आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर इजिली कैंसिल हो गया है। सो आप इस तरीके से अपने मीशो ऑर्डर में जो भी आप अपने ऑर्डर को किए हैं उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। सो यो फ्रेंड, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कॉमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो फ्रेंड, आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।